हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, किन किन कंपाउंड का यूज करके करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको सारा कुछ बता दिया था कि कौन कौन ऐसे कंपाउंड हैं जिनका प्रयोग करके हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, और हमने एल्कीन से प्रिपरेशन भी सीखा था कि एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, और एल्कीन से ही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है एल्कोहल का, ये भी मैंने बताया था। और ये बताए थे कि एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण दो तरीके से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन और दूसरा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग कर लिए थे, जो कि मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था, जो कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन था, अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रेशन, जलांशन, अम्ल की उपस्थिति में वाटर ऐड हो रहा था। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हमारा टॉपिक था बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। निर्माण तो इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग देख लिए थे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब चलो सेकेंड हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें दूसरा जो रिएक्शन है उसे हम आपको बताए थे कि दूसरा रिएक्शन है हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, अब इसका मतलब क्या है? ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन, इसका मतलब क्या है? तो चलो रिएक्शन से ही समझ लेंगे हम लोग। मतलब देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, उसमें भी एल्कीन से हम लोग पढ़े थे, एल्कीन से कर सकते हैं एल्कोहल का निर्माण, हेलो एल्कीन से कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कर सकते हैं, कीटोन से कर सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट से कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग हेलो एल्कीन से देख लिए थे, एल्कीन से पढ़ रहे थे, और एल्कीन में हमने दो तरीके से बताया था, एक डायरेक्ट हाइड्रेशन और दूसरा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग पढ़ लिए हैं पिछले लेक्चर में, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन आपको दो तरीके से बताए थे। तो उसमें पहला है, यानी कि हाइड्रेशन हम लोग तीन प्रकार से पढ़ें, एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन और इनडायरेक्ट में दो, उसमें दो में पहला है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यानी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। हिंदी इसका करो तो ऑक्सीमर्करीकरण बीमर्करीकरण, यानी एक में क्या हो रहा है, मर्करी ऐड हो रहा है और दूसरा में मर्करी बाहर निकलेगा, मर्करी मतलब पारा। हाँ, तो एक में एल्कीन में हम मरकरी को ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में उस मरकरी को फिर वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो करेंगे क्या, देखो हम सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताते हैं, हमारे पास रहेगा एल्कीन, एल्कीन एल्कीन रहेगा, क्योंकि एल्कीन से ही हम निर्माण कर रहे हैं, एल्कीन रहेगा और साथ में रहेगा वाटर। क्या रहेगा? वाटर, चूँकि हाइड्रेशन है, जलांशन है, तो वाटर ही तो ऐड करना है। अब चाहे डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, तो अभी हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन करेंगे। तो एल्कीन प्लस वाटर और साथ में रहेगा मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। एल्कीन रहेगा, वाटर रहेगा और मर्क्यूरिक एसीटेट रहेगा। अच्छा, और ये रिएक्शन होगा
THF की उपस्थिति में, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन की उपस्थिति में। तो बच्चों जब ये रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक एडिशन कंपाउंड। क्या मिलेगा? एडिशन कंपाउंड मिलेगा, यानी योगज प्रतिफल, योगज प्रतिफल मिलेगा, एडिशन कंपाउंड मिलेगा। एक योगशील यौगिक मिलेगा जो कि ना तो अभी रिएक्टेंट रहा और ना प्रोडक्ट रहा, मतलब कि बीच में एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसे हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी के सिटेट ऐड हो जाएगा, तो एडिशन कंपाउंड मिलेगा। अच्छा, अब ये जो एडिशन कंपाउंड मिला, एडिशन कंपाउंड, अब ये जो एडिशन कंपाउंड मिला बच्चों, इसे हम क्या करेंगे कि NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेसिक मीडियम में। क्या करेंगे? बेसिक मीडियम में NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में, OH- की उपस्थिति में। तो हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्कोहल। क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। समझ गए? सबसे पहले एल्कीन को वाटर के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट के उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन रिएक्शन कराओगे तो एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा। अभी हम इसको रिएक्शन से भी देखेंगे। और इस एडिशन कंपाउंड को, जो ये नया कंपाउंड मिला, इस एडिशन कंपाउंड को NaBH4 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो फिर हमें मिल जाएगा एल्कोहल। बच्चों ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप जो हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन। इस वाले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन। और ये जो सेकेंड वाला स्टेप है, इसे हम बोलेंगे डीमर्कुरेशन। पहले स्टेप को बोलेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन और दूसरे स्टेप को बोलेंगे डीमर्कुरेशन। दोनों स्टेप मिला के बन गया ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन था। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोप्स रूल होगा। मार्कोनिकोप्स रूल, यानी ये मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग होगा। और मार्कोनिकोप्स रूल क्या है ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। और ये जो रिएक्शन होगा मार्कोनिकोप्स के रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो अब चलो इसको हम लोग रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। ध्यान से देखो, देखो हमारे पास एक एल्कीन है तो हम ले लेते हैं एक एल्कीन। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अपने पास एक एल्कीन है, इसे हम रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी के सीटेट HgCCOO का हॉल्ट वाइज, इसे हम रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। देखो एसीटेट किसे कहते हैं? CH3COOH को हम लोग बोलते हैं एसीटिक एसिड। ये क्या है? CH3COOH, एसीटिक एसिड बोलते हैं इसे। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो इसे हम बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट आयन। तो यहाँ पे देख लो CH3COO है तो ये एसीटेट आयन हो गया, साथ में मरकरी है तो ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या हो गया? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एल्कीन को वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के उपस्थिति में, यानी मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। किसकी उपस्थिति में? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। तो हमें एडिशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों ए HgOCH3, यानी CH3OOHg, ए हमें मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम पता करें कि ये जो रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो एकदम सिंपल है, देखो
कैसे सिंपल है, एकदम आराम से आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले H2O को तोड़ देना, H2O को, तो ये मिलेगा H प्लस और OH माइनस। ओके अब देखो तो यहाँ से जो OH माइनस निकला, चूँकि ये बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्ड इधर से कंप्लीट है, दो बॉन्ड इधर से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के बाद मान लो कि यहाँ पे गया, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ से जो OH माइनस आया इस पर अटैक करेगा, तो देखो OH हो गया। अब बच गया हमारे पास H प्लस, क्या बच गया H प्लस, तो यहाँ पे देखो बच्चों CH3COO है ना, CH3COO यहाँ पे एसीटेट आयन है और यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ से आप CH3COOH आयन बाहर कर देना, CH3COOH आयन यहाँ से बाहर हो गया। अब बच क्या गया, तो देखो यहाँ पे CH3COO माइनस दो था, तो इसमें से एक तो बाहर हो गया, तो एक बचा CH3COO और साथ में यहाँ पे Hg, तो CH3HgOO, इस तरह से हमें मिलेगा एडिशन कंपाउंड। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे NaBH4 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, तो देखो तब हम आपको मिलेगा CH और यहाँ पे H, इस तरह से आपको मिल जाएगा एल्कोहल, क्या मिल जाएगा एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक एल्कीन लिए, एल्कीन को वाटर के साथ और वाटर की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएं, साथ में मीडियम कैसा है THF है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो एक एडिशन कंपाउंड मिला। और एडिशन कंपाउंड को पुनः हम NaBH4 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा एल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। तो लिख लो, उसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लिख लो। देखो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके एल्कीन है, एल्कीन और क्या लेना है बच्चों वाटर H2O, और क्या लेना है बच्चों मर्क्यूरिक एसीटेट, तो ले लो HgOOCCH3 का हॉल ट्वाइज, ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। और रिएक्शन करवाना है THF के उपस्थिति में, तो आपको क्या बताए थे कि देखो एकदम सिंपल, पहली चीज़ याद रखना रिएक्शन मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखने वाली बात कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया, अभी हम क्या लिए थे सिमेट्रिकल था, इधर भी एक कार्बन था इधर भी एक कार्बन, तब तो OH यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एक तरफ एक मिथाइल जुड़ा है और एक तरफ नहीं जुड़ा है, मतलब डबल के एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ एक कार्बन है, तो इसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में अगर मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो ध्यान रखना है कि OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो यहां पर जुड़ेगा OH, क्योंकि इसी डबल बॉन्डेड, ए डबल बॉन्डेड है, ए डबल बॉन्डेड है और यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, एक है यहां दो है, तो OH यहां जुड़ेगा। तो हम आपको बताए क्या थे, देखो एकदम सिंपल लॉजिक लगाना, पहले तो ये टूटेगा भाई, एच प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा ये, ठीक है। जब ये टूटेगा तो देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में तो डबल बॉन्ड टूट ही ना जाता है, तो टूट जाता है, तो यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया। अब देखो ये OH माइनस तो यहाँ अटैक करेगा, तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, CH3CH OH बॉन्ड टूट ही गया है CH2। अब देखो
अब यहाँ पे बच गया H प्लस और यहाँ पे पूरा कंप्लीट अभी बचा हुआ है। तो आप क्या करना, देखो CH3COOH कै गो है, दो है, CH3COOH दो है, एसीटेट आयन दो है, तो यहाँ से एक उठा लेना एच प्लस के साथ, तो CH3COOH बाहर, तो यहाँ पे CH3COOH हो गया बाहर, ठीक है, एसीटिक एसिड यहाँ से बाहर हो गया CH3COOH। अब बचा क्या, तो देखो अब बच गया CH3COO और साथ में Hg, तो यहाँ पे जुट जाएगा Hg और CH3COO Hg के साथ यहाँ पे जुड़ गया। ओके अच्छा, यही तो हमारा बन रहा था एडिशन कंपाउंड, यही तो है हमारा एडिशन कंपाउंड। अब क्या करोगे, सिंपल, ये जो एडिशन कंपाउंड बना इसे हम क्या करेंगे, NaBH4 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे, तो क्या होगा, देखो तब हमें मिल जाएगा यहाँ से CH3COH और एक कंप्लीट कर देना CH3 और बाकी ए जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा CH3COOHg वहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ए हमें मिल गया प्रोपेन टू ऑल, तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो बचा वो कहाँ जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए था एल्कोहल, तो एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, बाकी क्या बन रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट, ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीप मर्कुरेशन इम्पोर्टेंट है बच्चों, IAC के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो याद कर लेना इसे, सॉरी देख लेना इसे एक बार खुद से बना के। बढ़ते हैं अब आगे, अब इनडायरेक्ट हाइड्रेशन वाला दूसरा रिएक्शन हमारा है, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है इसको लिखो तो बताते हैं। एल्किन से लास्ट हमारा रिएक्शन है थर्ड, उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करना है, देखो एकदम सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ देखते जाओ आपको पूरा आ जाएगा। देखो हमारे पास, और ये ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो ध्यान रहे डायरेक्ट हाइड्रेशन भी मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी हुआ मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग, ए वाला जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यही सिर्फ ऐसा है जो एंटी मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग होगा, यानी यहाँ पर जो OH हमें मिलेगा वो लास्ट कार्बन पे मिलेगा। तो देखो मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, मान लो क्या है, एक कंपाउंड है, क्या है, प्रोपीन, एल्कीन है, और इसे आप रिएक्शन कराना BH3 के साथ, किसके साथ, BH3 के साथ, और ये रिएक्शन भी बच्चों THF में होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन के उपस्थिति में। तो जब आप इसे BH3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो बनेगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होगा, यानी ये टूटेगा HBH2 में, इसे मैं से लिख सकते हैं ना, तीन हाइड्रोजन है, तीनों अलग अलग लिखेंगे HBH2 में, तो यहाँ पे एक कार्बन पे H जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे BH2 जुड़ेगा, तो मिलेगा क्या, देखो CH2 और BH2, मतलब हुआ क्या, यहाँ पे देखो CH था तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया CH2 हो गया, और यहाँ पे जो CH2 था यहाँ पे जुड़ गया BH2। ओके फिर आपको क्या करना है,
फिर सेम टाइप के एल्किन से आपको रिएक्शन करवाना है, CH3CH डबल बोंड CH2, फिर से रिएक्शन करवा देना है इसे। तब तक रिएक्शन करवाते रहना है जब तक कि यहाँ से इस बोरिन के पास का सारा हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। तो फिर से रिएक्शन कराओ, तो अब की बार क्या मिलेगा, अब की बार हमें मिलेगा CH3CH2CH2, उसके बाद यहाँ पे BH और CH3 और CH2CH2CH3। मतलब देखो, एक हाइड्रोजन और यहाँ से इलिमिनेट हुआ और एक कंपाउंड आके यहाँ पे जुड़ गया, CH2CH2CH3। अभी देखो बोरोन के पास एक हाइड्रोजन और है, तो एक बार और इसे रिएक्शन करा दो, CH3CH डबल बोंड CH2, इसके साथ रिएक्शन करा दो। तो इस बार क्या होगा, देखो ये भी हाइड्रोजन यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3CH2CH2B CH2CH2CH3 और CH2CH2CH3। सारे हाइड्रोजन यहाँ से इलिमिनेट हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। हम इस तरह से लिख देते हैं H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करवा देना है। क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करवा देना है। तो देखो यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2CH2OH के कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 मॉलिक्यूल और प्लस में H3BO3। तो ए हमें मिल गया एल्कोहल। तो इस तरह से आप एल्किन से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एक एल्किन लेंगे उसे BH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा एक कंपाउंड मिलेगा, मतलब एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक कार्बन पे BH2। ध्यान देने वाली बात कि एंटी मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि H जो है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और BH2 उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो देखो इस कार्बन पे H जुड़ेगा और इस कार्बन पे BH2 जुड़ेगा, तो A मिलेगा। फिर से अभी BH2 के पास दो हाइड्रोजन है, तो फिर से एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा और दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। उसके बाद अभी एक और हाइड्रोजन है, तो एक बार और एल्किन से रिएक्शन कराओ, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमें एक एडिशन कंपाउंड मिला। अब इसे H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें मिल जाता है एल्कोहल और साथ में H3BO3 यानी हाइड्रोबोरिक एसिड। तो ए हो गया एल्किन से एल्कोहल का निर्माण का विधि। तो लिख लो, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ दूसरे कंपाउंड से एल्कोहल का निर्माण करते हैं। दूसरा हम लोग अब एल्किन से तो कर चुके, दूसरा हम लोग करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं, एल्डिहाइड, ये हम बोले भी थे आपको, या कीटोन, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन कर दो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो अब किससे हम लोग करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से। देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, और हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन भी लिखे हैं, तो आप चाहे एल्डिहाइड और कीटोन लिखो या कार्बोनिल कंपाउंड लिखो। देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। और इसमें अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हो, जैसे ऐसे, देखना ध्यान से, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी इसका दो वैलेंसी अभी फ्री है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और दो वैलेंसी फ्री है, तो एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुप और एक वैलेंसी से हाइड्रोजन, तब मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर इसके दोनों वैलेंसी को आप एल्काइल ग्रुप से फुलफिल करती हो, तो ये जो कंपाउंड बना, इसे हम बोलते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण कार्बोनिल ग्रुप से होता है। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगाते हो, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, और दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। इसमें पहला है बाई रिडक्शन, अवकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड का अवकरण करवा देंगे। तो अवकरण के द्वारा आप एल्डिहाइड कीटोन से, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। अब जब अवकरण हो रहा है तो कोई अवकारक तो चाहिए भाई, रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तब ना रिडक्शन होगा, ऑक्सीकरण, तो कोई ऑक्सीकारक होगा तब ना ऑक्सीकरण करवाएगा। यहाँ पे अवकरण हो रहा है तो कोई अवकारक होगा, तो यहाँ पे अवकारक के रूप में यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा, जब रिडक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अवकारक होगा, अवकारक होगा, तो अवकारक कौन होगा। देखो इसमें पहला अवकारक तो आप हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा सकते हो, निकेल या प्लेटिनम के उपस्थिति में, पहला रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAl(H4), ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इससे कमज़ोर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट का आप यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का। अब देखो होगा क्या, अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो इनमें से किसी के द्वारा, तब आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। क्या प्राप्त होगा बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन से हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, जब रिडक्शन से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो कौन कौन होगा, ये सामने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा हम रिडक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, जब आप, अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में दो चीज़ है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाओगे तो प्राइमरी एल्कोहल पाओगे, और जब कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तब आपको मिलेगा सेकेंडरी
एल्कोहल, और यहाँ से आप टर्शियरी एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से आप टर्शियरी एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हो। देखो, जैसे आर सी एच ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और इसका रिडक्शन करवाओगे किसके साथ, एच टू निकल या प्लेटिनम रहेगा, या फिर एल आई एल एच फोर रहेगा, या फिर एन ए बी एच फोर रहेगा, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा आर सी एच टू ओ एच, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ओके, और अगर आप आर सी डबल बॉन्ड ओ आर मतलब कीटोन ले लेते हो, कीटोन, तो कीटोन का जब आप रिडक्शन करवाओगे इन केस द्वारा, और क्या हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर हो सकता है NaBH4, तब आपको क्या मिलेगा, तब मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब आपको मिलेगा RCHOHR। अब देखो, इस कार्बन के इधर भी एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन है, और इधर भी एल्काइल ग्रुप कार्बन है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, और 2 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है एकदम, कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाओ तो एल्कोहल मिलेगा। अब रिडक्शन करवाओ तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो ए हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवा सकते हैं निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट के उपस्थिति में, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, या NaBH4 के द्वारा। अच्छा, कुछ और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप करवा सकते हो उनसे भी, जैसे सी यहाँ पर हम लिख देते हैं डी, सोडियम और एल्कोहल, यानी एल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम के द्वारा भी रिडक्शन करवा के आप जस्ट यही प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हो, और ई जिंक के द्वारा भी आप रिडक्शन करवा सकते हो, किसकी उपस्थिति में, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी जिंक और एसिटिक एसिड के द्वारा भी रिडक्शन करवा के आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। तो इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हो गए, 5 रिड्यूसिंग एजेंट, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और ए हो गया। तो लिख लो, कुछ एग्जांपल करते हैं इस पर। देखो, एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2CH2CHO, और इसे हमें रिडक्शन करवाना है, H2 निकल प्लेटिनम ले लो, या फिर LiAlH4 ले लो, या फिर NaBH4 ले लो, बताओ आप जल्दी से इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और एक और कंपाउंड ले लेते हैं CH3CH2COCH3, तो इसे भी रिडक्शन करवाओ, हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे बच्चों, LiAlH4 आखिर कैसे इसको रिड्यूस करके, या फिर NaBH4 कैसे रिड्यूस करके, इसका क्या क्रिया विधि हो देखेंगे, लेकिन लास्ट में टॉपिक समाप्त होने के बाद फिर हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे होता है। अभी फ़िलहाल इतना याद रखो, एक साथ बहुत सारा फिर हो जाएगा गिच पिच, तो सिंपल पहले एकदम बात को एकदम सिंपल वे में पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो चलो, इसको जल्दी से बना के बताओ, तो अगर बना लिए हो तो
तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे मिल जाएगा CH3, CH2, CHOH और CH3। तो एक जगह मिला प्राइमरी अल्कोहल और एक जगह मिला सेकेंडरी अल्कोहल। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH और CHO, ये एक कंपाउंड है, ध्यान देना यहाँ पे, एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है। देखो CHO एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ध्यान क्या रखना है कि अगर आप इसे NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाते हो तो ये जो NaBH4 है एल्डिहाइड को एल्कोहल में तो रिडक्शन करवा देगा, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करवा पाएगा। तो आपको ये एज यूजुअल ऐसे ही मिल जाएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH। NaBH4 जो है डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। याद रहे कि NaBH4 जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा और ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सिर्फ जो कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा एल्डिहाइड या कीटोन, उसे रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड का हम रिडक्शन करवाते हैं H2 के साथ निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति में या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, अब ये इसे भी रिड्यूस कर देगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो CH3 CH2 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 OH, ए एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में रिड्यूस कर दिया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस एल्डिहाइड एज वेल एज डबल बॉन्ड, यानी ग्रुप को भी एल्कोहल में रिड्यूस कर दिया और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसे भी रिड्यूस कर दिया। तो इसे हम घेरा लगा देते हैं, ये आप जरूर याद रखना कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन ये दोनों जो है वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, इसे ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, ये तो हो गया रिडक्शन के द्वारा कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा हम एल्कोहल बना सकते हैं। अब दूसरा है बहुत इम्पोर्टेंट, वहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी सारे प्रकार के एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, और वो है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आपको पढ़ाए हैं फर्स्ट चैप्टर में, लिख लो पहले इसको। नेक्स्ट है हमारा इसमें दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड से दूसरा कार्बोनिल यौगिक का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया द्वारा। तो देखो एकदम सिंपल है, स्टेप बाय थोड़ा लेंदी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड ठीक है, और इसे रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो किसके साथ, RMgX के साथ, यही तो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब रिएक्शन होगा कैसे, तो देखो साथ में मैकेनिज्म भी देखते चलते हैं। एकदम सिंपल है, कार्बन और ऑक्सीजन में के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता हम जानते हैं कि कार्बन से बहुत अधिक होता है। तो इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, टूटेगा तो यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। कब? जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तब। ध्यान से समझो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कार्बन से अधिक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, यहाँ का कहानी ख़त्म। अब यहाँ देखो, ये कार्बन है और ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में टूटेगा, ओके, माइनस और प्लस में टूटेगा। जब ये टूटेगा तो देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो R तो जाके इसके पास जुड़ जाएगा, R जाके इसके पास जुड़ जाएगा तो मिलेगा क्या? ध्यान से देखना, C और इसके पास जुड़ गया R और यहाँ पे बच गया O। ओ अब देखो यहाँ पे क्या बचा? ऑक्सीजन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस, तो ये प्लस जाके इसके साथ जुड़ जाएगा OMgX, ए हमें मिलेगा कंपाउंड, ओके। अच्छा वो अभी लिखना मत, जब हम बोलेंगे तब लिखना, ए होगा। उसके बाद देखो अब की बार आपको क्या करना है, इसे H2O के साथ रिएक्शन करवा देना है। किसके साथ? H2O के साथ, एसिडिक मीडियम में यानी H+, एसिडिक मीडियम में H2O के साथ रिएक्शन करवा देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ भी एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व। H2O टूटेगा H+ + OH माइनस में, कोई दिक्कत? H+ और OH माइनस में टूटेगा। अच्छा अब देखो, ऑक्सीजन पे निगेटिव और Mg पे पॉजिटिव, क्योंकि नॉन मेटल है और ये मेटल है, मैग्नीशियम धातु है और यह धातु है, तो अधातु इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो माइनस प्लस में सिंपल लॉजिकली इसको तोड़ सकते हैं। अब देखो H+ जो है वो तो इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं? H+ O- के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा C, इसके साथ R जुड़ा ही है, और O, और O के साथ जुड़ गया कौन? H, तो A मिल गया, और साथ में मिल जाएगा हमको, साथ में मिल जाएगा, देखो Mg प्लस है और OH माइनस है, तो Mg OH और साथ में X, तो क्या मिलेगा? Mg OH और X मिल जाएगा। अच्छा इसको ज़रा सही करके लिखो, तो इसको ज़रा सही करके लिखो, तो R हो गया और C OH, बताओ ये एल्कोहल है ना, दिखाई दे रहा है R, अभी यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो RCH2OH हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना हम, तो ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया एल्कोहल। तो हम रिएक्शन कैसे करवाएं? देखो फिर से समझ लो, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड था, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जब ये रिएक्शन करेगा
तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो निगेटिव के साथ ए धातु है तो पॉजिटिव और ए निगेटिव, तो निगेटिव चला जाएगा इसके पास और एम जी आ जाएगा इसके पास, तो ए कंपाउंड हमें मिलेगा। इसको यहाँ पे अभी आप मिटा दो, ठीक है। तो ए मिला हमें, एडिशन कंपाउंड, और इस एडिशन कंपाउंड को H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्कोहल। अच्छा बच्चों, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप जो अभी हम मैकेनिज्म समझाएं उसको देख लो कि ये कैसे बना, कैसे प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, इसे आप पीछे करके वीडियो अभी जो बताएं उसे दोबारा देख सकते हो या नीचे लिख भी सकते हो। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसे भी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें एक हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे देखो क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ, इस कंपाउंड का नाम है, देखो क्या है, यहाँ लिखेंगे तो तुरंत समझ जाओगे, HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है ये, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड श्रेणी का, एल्डिहाइड सीरीज का सबसे पहला कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड। इसे मान लो हमें रिएक्शन करवाना है CH3MgI के द्वारा, तो जल्दी से चलो तो इसे कंप्लीट करके बताओ, कंप्लीट करके बताओ। तो देखो क्या हो जाएगा, फिर से समझना, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये मेटल है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या होगा, CH3 आके इसके पास जुड़ेगा, CH3 जुड़ गया। अच्छा अब देखो O के पास कौन जुड़ेगा, MgI, O के पास जुड़ेगा MgI, हो गया कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, H2O H प्लस, तो H प्लस O H माइनस में टूटेगा, H प्लस किसके साथ जुड़ेगा, A माइनस और A प्लस, तो H प्लस जाके O के साथ और OH माइनस Mg के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, इसको हम सीधा करके लिख रहे हैं, CH3, अच्छा E क्या बन गया, CH2 और देखो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, H प्लस, तो OH, और साथ में बनेगा बच्चों देखो Mg, और यहाँ से बचेगा OH, MgOHI, तो ए हमें मिल गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिल गया, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, एक तरफ से कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल। तो हमें पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तब हमें मिलेगा 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल। लिख लो और एग्जांपल करते हैं, इसमें एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है CH3CHCO, ठीक है, ए क्या है, क्या नाम है इसका बताओ, तो CH3CHO। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके जगह पे हम एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए हैं, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसीटल्डिहाइड, एल्डिहाइड सीरीज का दूसरा कंपाउंड है एसीटल्डिहाइड। इसे मान लो रिएक्शन करवाना है C2H5MgI के द्वारा, यानी एसीटल्डिहाइड है और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन करवाना है, तो क्या बनेगा बच्चों बताओ। देखो एकदम सिंपल है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अच्छा मेटल है तो प्लस, कार्बन है तो माइनस।
अब ये C2H5 जाके प्लस वाले पे जुड़ जाएगा तो CH3 C, और यहाँ पे जुड़ गया कौन, C2H5, बच गया सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे C2H5 तो कार्बन के साथ जुड़ गया, बचा कौन MgI, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgI। अब क्या बताए थे, अब बताए थे कि इसे H2O के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, तो ये H2O H+OH- में टूटेगा H+ ऑक्सीजन के साथ और OH- मैग्नीशियम के साथ, तो मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, CH3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो CH है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो CH और क्या है C2H5, तो इधर लिख देते हैं C2H5। अब देखो क्या था, बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है H+, तो ये हो जाएगा OH और साथ में मिलेगा MgOH और I, तो हमें मिल गया 2° एल्कोहल। क्या मिल गया, ये कार्बन कैसा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो 2° कार्बन, 2° कार्बन पे OH तो 2° एल्कोहल मिला। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग एल्डिहाइड लिए, एक कीटोन लेके देखते हैं। देखो CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड O। अब देख लो, बोले थे ना कि अगर इसका दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल रहेगा तो एल्डिहाइड, या एक हाइड्रोजन रहेगा और एक एल्काइल रहेगा तो भी क्या होगा, फिर से सुनो, अगर इसका दोनों वैलेंसी कार्बोनाइल कंपाउंड का दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप से तो बाकी अन्य एल्डिहाइड जैसे एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड ये सब, और अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप से तब ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। अब कीटोन को हम रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgI, ठीक है। तो फिर से वही स्टेप फॉलो करो, क्या करो, CH3 कार्बन पे जाके जुड़ेगा और MgI ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, तो मिलेगा हमें CH3 C2H5, और कार्बन पे कौन जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा और ऑक्सीजन से MgI जुड़ेगा। अब क्या करो, अब इसे H2O H+ के साथ रिएक्शन करवा दो, तो देखो क्या होगा, देखना ध्यान से, A+ और A- और H2O H+ और OH-, तो H+ तो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, देखना CH3 यहाँ पे लिखते हैं CH3, उसके बाद इस पे C2H5 कार्बन है, कार्बन कार्बन पे फिर से CH3 और फिर C2H5 ऊपर लिख दो, इसको मिटा देते हैं C2H5। अब बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे H+ जुड़ जाएगा तो OH और साथ में मिलेगा MgOH और I, तो अब देखो तो ये 3° एल्कोहल है, क्या है 3° एल्कोहल। तो इससे हमें पता चला बच्चों कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, अन्य किसी एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो एक जगह तो एल्काइल ग्रुप रहेगा ही, तो वो सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा, और जब हम कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमें मिलेगा टर्शियरी एल्कोहल। तो इसको लिख लो, उसके बाद एक हम लिखते हैं पॉइंट ना, कि जब फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, हम कह सकते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है प्राइमरी एल्कोहल। अभी देखे भी
जब अदर एल्डिहाइड्स जैसे एसिटल्डिहाइड्स प्रोपियोनल्डिहाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जब कीटोन रिएक्शन करेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तब मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने सीखा कि एल्किन्स के इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से कैसे अल्कोहल बनाएंगे और कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे अल्कोहल बनाएंगे। अच्छा एक बात और, पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोग इसका C5H12O या फिर C5H11OH का आइसोमर्स पढ़े थे बनाने के लिए, तो इसमें 6 आइसोमर हम बनाए थे, दो और बन सकता है। एक ए बन जाएगा 1,2,2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, और इसी को यहाँ पे ला दोगे तो फिर बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 1,2,3 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से 6 हम लोग पहले देख लिए थे और दो ये छूट गया था मिस्टेक से, तो आप लोग कर लेना। मिथाइल को सेकेंड कार्बन पे यहाँ से काउंटिंग होगा क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 दूसरे कार्बन पे एक बार मिथाइल जोड़ देंगे तो भी एक नया आइसोमर बन जाएगा, और यहाँ से हटा के इसको जोड़ देंगे तीसरे कार्बन पर तो भी एक आइसोमर बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।